एयरपोर्ट पर सीएम योगी और यूपी बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के प्रयासों के संबंध में मंथन कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कानपुर में नेशनल गंगा हाउसिंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें नमामि गंगा प्रोजेक्ट पर आयोजित इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। वहीं इस बैठक में केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा गंगा किनारे स्थित सभी 5 राज्यों के कई मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, पीएम मोदी उनकी समीक्षा की। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा है, लिहाजा आज वहां पर पहुंचे और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि खुद अगवानी करने के लिए तमाम सारी तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले से कर रखी थी। ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत करता दीपक यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कार्यक्रम में क्या खास रहा? देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा था, वो लगभग 11 बजे यहाँ पहुंच चुके थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद वो सीएसए पहुंचे, सीएसए में लगातार बैठक चल रही थी। 2 बजे बैठक अभी जाके खत्म हो चुकी है। अब वो गंगा में नाव में सवार होकर वो गंगा का निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, और इसके बाद अधिकारियों से भी बात करेंगे, करने के बाद वो यहाँ से अभी रवाना हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक।